हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? आज 25 मई दिन शनिवार, हिंदी तिथि, कृष्ण पक्ष द्वितीय। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन से दिल्ली में कितना पड़ेगा असर, देखें क्या बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज तक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में चुनाव और कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बात की। देखें अरविंद केजरीवाल ने कितनी सीटों पर दम ठोका है। शुरू में हिकअप्स थे कांग्रेस के साथ। क्या हिकअप्स थे? हमारी पुरानी हॉस्टिलिटीज थी भाई, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। तो गठबंधन के बाद हर लेवल पे काम करने में कई सारी अड़चनें थी, लेकिन अब वो अड़चनें दूर कर दी गई हैं। और मैं देख रहा हूँ, मैंने उनके कैंडिडेट्स के लिए भी प्रचार किया, उनके नेता हमारे कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं। सचिन पायलट जी आए थे अभी थोड़े दिन पहले। तो अब वो ऊपर से नीचे तक एक सिनर्जी है और मिलके काम कर रहे हैं। और मुझसे अगर आप 2 महीने पहले, मेरी अरेस्ट के पहले पूछती कि कितनी सीट आ रही है, तो मैं कहता शायद 1-2 आ जाए। लेकिन अरेस्ट को लेकर दिल्ली की जनता में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा, और वो इसका जवाब इस बार वोटिंग वाले दिन देगी दिल्ली की जनता। कोलकाता में 60 दिनों के लिए धारा 144 लागू, हिंसक प्रदर्शन की संभावना। कोलकाता में 2 महीनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आगामी 28 मई से 26 जुलाई तक कोलकाता में धारा 144 लागू रहेगी। हिंसक प्रदर्शन और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना के चलते यह फैसला लिया गया है। चुनाव के बाद वोटिंग परसेंटेज पर बवाल तो तय है, ईवीएम पर विपक्ष सवाल तो उठाएगा ही। देश में ईवीएम को लेकर विरोध पहले से होता रहा है, अब वोटिंग परसेंटेज को लेकर चुनाव आयोग ने जो देरी की है, उससे तमाम तरह की शंकाएं उभरनी संभावित है। विपक्ष के सवालों का चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। मथुरा के मुद्दे पर अखिलेश का मुंह हमेशा बंद क्यों हो जाता है, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। भारतीय राजनीति में सालों से चला आ रहा राम मंदिर का मुद्दा तो लगभग खत्म हो गया है, लेकिन बीजेपी अब मथुरा को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे पर ताजा बयान दिया है, तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का रिएक्शन भी सामने आया है। वंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाए तो हम यदवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़े। मैं बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है? अपने को यदवंशी कहेंगे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की बात आएगी तो इनको वोट बैंक की चिंता होने लगती है, वोट बैंक की चिंता। तो भाइयों बहनों, देश की कीमत पर, आपकी आस्था की कीमत पर वोट बैंक की राजनीति करने वालों की जमानत जब्त कराने का ये सबसे अच्छा अवसर है। भारत में कृष्णा जन्मभूमि और ज्ञान बापी मंदिर बनने में हमारे कुछ नहीं चाहिए, भगवान कृष्णा खुद अपना मंदिर बना लेगा, आप चिंता मत कीजिए। हम कौन है कृष्णा का मंदिर बनाने वाला? भगवान कृष्णा ने खुद ही उनका जन्मभूमि सजाएगा, निश्चित रहिए। 77% मुस्लिम जातियों को इंडिया अलायंस वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था, बोले पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में शुक्रवार को रैली की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल से सामने आया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मुसलमानों की 77% जातियों को इंडिया गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था। इंडिया गठबंधन की साजिश का ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल में सामने आया। 2 दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने वहां 77 मुस्लिम जातियों के आरक्षण को खत्म कर दिया, कोर्ट ने किया। आप लोग कल्पना कर सकते हैं, मुसलमान की 77 जातियों को इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था, और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था।
अदालत ने उसको गंभीरता से लिया। इन 77 मुस्लिम जातियों को नौकरी में, पढ़ाई में, हर जगह भलाई मिल रही थी। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। ऐसा करके इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, संविधान की पीठ पे छुरा भोंका। अब कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंडी गठबंधन वाले बौखलाए हुए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री तो सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को मानने से भी इनकार कर रही है। इनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। 62 की हार के लिए हमारी सेना को गुनहगार मानता है गांधी परिवार, बोले पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की रैली में कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 1962 की भारत चीन जंग में हार के बाद सेना पर पूरा दोष डाल दिया था। वो परिवार उसी मिजाज में आज भी सेना को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता है। 1962 में पंडित नेहरू की जो औरा का गुब्बारा जो फूट गया, चाइना के हाथों में जो हमारी पिटाई हुई, उसके लिए गुनहगार हमारी देश की सेना को मान। और आज भी वो परिवार उसी मिजाज में हमारी सेना का अपमान करने के मौके ढूंढती रहती है। और उसी बदले की भाव से उसने 500 रुपए ऐसे ही फेंक दिया और कह दिया कि वो आरोपी हो जाएगा। वो आरोपी होने का मतलब क्या होता है वो मोदी ने आकर के बताया। उत्तराखंड हाईकोर्ट से हल्द्वानी दंगे में आरोपी को बड़ी राहत, 2.44 करोड़ के रिकवरी नोटिस पर लगाई रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बन भूलपुरा दंगे में आरोपी अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से भेजे गए 2.44 करोड़ की वसूली के नोटिस पर सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी। OTT रिलीज मैदान से लेकर क्रू तक वीकेंड पर भोकाल मचाने वाली हैं ये फिल्में, वेब सीरीज। नया हफ्ता और नई फिल्में और वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी हैं। करीना कपूर खान और तब्बू की फिल्म क्रू नेटफ्लिक्स पर आ गई है। इसके अलावा रणदीप हुड्डा की स्वातंत्र्य, सावरकर और अजय देवगन की मैदान भी अब OTT का हिस्सा हैं। खड़गे का पीएम मोदी पर विवादित बयान, जहर से कर दी प्रधानमंत्री की तुलना। लोकसभा चुनाव चल रहा है और नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। आइए वीडियो में देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। वो बोल रहे हैं कि 47 तक अब 47 का शाश्वत भी रहेंगे अगर क्योंकि कहीं समंदर में। ममता भले सादी साड़ी पहने पर उसमें खून के दाग, बोली अग्निमित्रा पॉल। पश्चिम बंगाल की आसनसोल दक्षिण सीट से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि भले ही ममता सादी साड़ी पहनी है लेकिन उसमें खून के दाग हैं। उनको मालूम है कि अब उन्हें जाना है। ममता बनर्जी कौन सा राजनीति करने में उतरी है इसका जवाब बंगाल के लोग देगा, बहुत जल्दी देगा। 34 साल वामफ्रंट ने ज्योति बाबू और बुद्धदेव बाबू भी सोचा था कि कोई उसको हटा नहीं पाएगा लेकिन बंगाल के लोग उसको हटा दिया, एक इसमें हटा दिया चुटकी में। अब ममता बनर्जी का भी जाने का टाइम हो गया क्योंकि इतना अत्याचार। सादा साड़ी पहनते है ना तो सादा साड़ी में पूरा खून का दाग लगा हुआ है। उनको मालूम है कि उनको जाना है, उनका पैर का नीचे से जमीन है वो घिस जा रहे हैं। BCCI ने पोंटिंग लेंगर को दिखाया आईना, टीम इंडिया के हेड कोच को लेकर जैसा का खुलासा।
T20 वर्ल्ड कप के साथ ही टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है। ऐसी खबरें चल रही थी कि BCCI ने नए कोच को लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों रिकी पोंटिंग और जस्टिन लैंगर से संपर्क किया था, हालांकि ये खबरें अफवाह निकली। धूल भरी आंधी और भारी बारिश से मुंबई में भारी नुकसान, मेट्रो और विमान परिचालन प्रभावित। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश ने कहर बरपाया, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और पूरे शहर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के कई इलाकों में धूल भरी आंधी आई, जिससे घाटकोपर में एक होर्डिंग बोर्ड गिर गया, इससे 14 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।